हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वारियर्स पर। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था, सर डीआई को करा दीजिए, हो सकता है एग्जाम में डीआई पूछा जाए। जी हाँ दोस्तों, डीआई जब पूछता है तो 4-5 नंबर आप सभी को मैथ्स में ला कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें डीआई सेक्शन को काफी मजबूत करना है, इसी को देखते हुए मैं डीआई स्पेशल क्लास लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो इस क्लास को आप सभी लोग पूरा देखिएगा, मजा ना आए तब फिर कहिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की क्लासेज आप सभी को मिलती है। दोस्तों, NB 2020 डीआई स्पेशल, वैसे ये फॉर ऑल एग्जाम्स भी है। ठीक है दोस्तों, फॉर ऑल एग्जाम, एनसीएल का एग्जाम हो गया, DDA का एग्जाम हो गया, UCIL का हो गया, NTPC हो गया, ग्रुप डी हो गया, ये सारे जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है ये DI। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं DI स्पेशल क्लास को। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले परसेंटेज बेस्ड, ठीक है ना, एंगल बेस्ड करेंगे, फिर परसेंटेज बेस्ड, सब तरह का डिवाइड करने वाले इसी क्लास में। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहले कह रहा है निर्देश, प्रश्न नंबर 1 से 4, यानी कि जो क्वेश्चन है 1 to 4 है। ठीक है ना, दिए गए पाई ग्राफ में एक मकान के बनाने में किए गए व्यय का ब्यौरा है, एक मकान बनाया गया है उसमें कितना खर्च किया गया उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इस निर्माण में कुल 6 लाख रुपए व्यय हुए, कितने 6 लाख रुपए इस निर्माण में कुल व्यय हुए। तो कह रहे इस ग्राफ का अध्ययन करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। SSC 2006 में 2006 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम व्यूआ पॉइंट से। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहले बना लेते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, ये थोड़ा ज्यादा है। चलिए 6 बन गया। ठीक है ना, ये इस तरह से एंगल दे रखा है। ठीक, 1, 2, 3, 4, यहाँ 5 ही बना, एक और कर बना दीजिए बस। यहाँ दे रखा है निरीक्षण, ये निरीक्षण का कितना दोस्तों 54% है, ये निरीक्षण का, ध्यान से देख लीजिए, निरीक्षण का 54%, लकड़ी का 36%, ये है लकड़ी, लकड़ी का कितना दिया है 36%। ठीक है ना, और मजदूरी का दे रखा है 90%, यहाँ पे है मजदूरी, मजदूरी का कितना दिया दोस्तों 90%। ठीक है, उसके बाद सीमेंट का 72%, 72% किसका है सीमेंट का है, और ईंट का 54%, ईंट का भी दोस्तों कितना है 54%, बाकी तो मैंने लिख दिया। चलिए ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इस्पात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस्पात 54%, निरीक्षण 54%, दोस्तों कुछ इसमें छूट रहा है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो कर दी, इसमें भी 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलिए देखते हैं, सीमेंट 72%, मजदूरी यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे मजदूरी है, भूल गए थे, मजदूरी, मजदूरी कितना है 90%, मजदूरी के बाद क्या आ रहा है लकड़ी 36%, यहाँ पे लकड़ी को कर दीजिए, लकड़ी कितना है 36%, तो लकड़ी के बाद क्या आएगा दोस्तों निरीक्षण, यहाँ निरीक्षण कर दीजिए 54%, यहाँ पे क्या हो जाएगा निरीक्षण, और ये जो है ये 54% दोस्तों इस्पात का, किसका है इस्पात का है। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, मजा ना तो फिर कहिएगा। ये कह रहा है ईंट का 54% है, अब आराम से समझ लीजिए, सीमेंट का 72%, मजदूरी का ये 90%, इसको थोड़ा तो बड़ा कर दे, नहीं तो आप कहेंगे सर 90% तो कम क्यों, अब चलिए ठीक है ना, और लकड़ी का दोस्तों 36%। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है सीमेंट के मद पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी है, पहला क्वेश्चन है, यानी कि जो सीमेंट पर खर्चा किया गया वो टोटल कितना धनराशि है। आप सभी को बता दें, जो यहाँ पे ओवरऑल खर्च हुआ दोस्तों वो हो चुका 6 लाख, और वह नहीं इतना ही हुआ है, ये टोटल खर्च आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है सीमेंट के मद में किया गया व्यय, तो सीमेंट के मद में कितना व्यय किया गया कि इसको हम देखते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सीमेंट की, तो यहाँ पे 72% दिया, कितना दिया है 72%, ध्यान से देखिएगा, सीमेंट के मद में 72 किया गया है, और हमेशा दोस्तों जब यहाँ पे एंगल देना, जब यहाँ पे एंगल दे, आप सभी को पता है इस तरीके से जो संपूर्ण एंगल होता है वो 360 होता है, आपको 360 से डिवाइड कर देना है और इंटू 6 लाख कर देना है, कितना 6 लाख कर देना है दोस्तों। 6 लाख क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो है 6 लाख जो है टोटल है, ठीक है ना, जिसमें से 72% क्या है सीमेंट का,
कट कर देगी यह जीरो, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, फिर सिक्स वन जा सिक्स और सिक्स सिक्स जा 36, फिर सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स ट्वेल्व जा 72, यानी कि 12 का 1000 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 120 लाख कितना हो गया, 120 लाख, यानी कि 1,20,000, 1,20,000 दोस्तों क्या गया है, सीमेंट के मद में खर्च, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जा रहे हैं, किसके साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों, क्वेश्चन टू क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन टू आपके सामने है, कह रहा है मजदूरी के मद पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आय व्यय की राशि से कितनी अधिक है। तो सबसे पहले देखिए आंसर तीन चीजों में आएगा, या तो आपका आंसर डिग्री में दिया रहेगा, या तो आपका आंसर रुपए में दिया रहेगा, या तो आपका आंसर परसेंटेज में दिया रहेगा, तीन में आंसर दिया रहेगा, यहाँ जो है हमें पूछा वो परसेंटेज में पूछा, इसलिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कितना ज्यादा है जो मजदूरी का है ना, वो कितना ज्यादा है, पहले हम डिग्री में देखते हैं दोस्तों। तो डिग्री में देखिएगा दोस्तों, ये 90 है मजदूरी का, और इस बात है कितना 54 है, तो 90 में से अगर हम 54 घटा देते हैं तो कितना जाएगा, 36 डिग्री दोस्तों ज्यादा है, ठीक है ना, कितना ज्यादा है, 36 डिग्री ज्यादा है। अगर ऑप्शन में डिग्री में रहता इसको लगा देते, लेकिन रुपए में अगर दे तो रुपए में क्या करेंगे, 36 है ना, ओवरऑल कितना होता, हम 360 से डिवाइड करते हैं इंटू, और कुल राशि कितनी है दोस्तों, 6,00,000 है, बस ये काम हम कर सकते थे अगर रुपए में पूछता तो। 36 अगर हम 36 36 360, ये जीरो से जीरो कैंसिल, यानी कि ये हो जाता दोस्तों 60,000 रुपए। अगर ये रुपए में पूछता तो फिर हम इस पर टिक लगा देते, लेकिन जो हमारा ऑप्शन है वो परसेंटेज में, तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, माना जो यह राशि है ना वह कुल का x परसेंट है, माना यह राशि कुल का x परसेंट है, कितना है, x परसेंट है, तो क्या करेंगे, पता है कुल का x परसेंट है, तो कुल कितना राशि है, 6,00,000 है ना, कुल कितना है, 6,00,000 है, 6,00,000 का जो x परसेंट है दोस्तों इसी के तो बराबर है, यानी कि 60,000 के दोस्तों क्या है, बराबर है, समझ लीजिएगा, क्या कुल राशि का x परसेंट है, यानी कि कुल राशि 6,00,000, इसका x परसेंट ये इसके इक्वल है दोस्तों। तो क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 इंटू x बाई 100 इज इक्वल टू 60,000, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, और 3, 0 से 3, 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 दही 7, यानी कि जो x का वैल्यू आ गया दोस्तों वो आ चुका है 10%, कितना आ चुका है, 10%, ऑप्शन नंबर दोस्तों हम जाने वाले हैं बी के साथ, किसके साथ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के साथ। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से समझेंगे दोस्तों तो ही जाकर समझ में आएगा, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, डीआई स्पेशल क्लास, ठीक है ना। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दोस्तों क्वेश्चन 3 कह रहा है, कह रहा सीमेंट इस्पात तथा निरीक्षण पर मिलाकर कुल व्यय की धनराशि का कुल व्यय का कितने परसेंट है। ध्यान से देखिएगा किसका किसका पूछा है, पहले सीमेंट का पूछा है, फिर स्टील मतलब होता है दोस्तों इस्पात, ठीक है ना, स्टील लिख दिया, और प्लस निरीक्षण का निरीक्षण कर दिया। अब यहां एक बात समझिएगा, चलिए देखिए दोस्तों कह रहा है सीमेंट इस्पात और निरीक्षण पर, ध्यान से देखिएगा सीमेंट पे कितना है 72%, ठीक है ना, आगे कह रहा है इस्पात पर, इस्पात पर कितना दोस्तों 54%, फिर निरीक्षण पर कितना है 54%, इसको ऐड कर लीजिए कितना हो रहा है 72% प्लस 54 108 डिग्री, दोनों का ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे आंसर बन चुका है दोस्तों। जब हमने तीनों को जोड़ा तो दोस्तों 180 डिग्री आ गया। एक बात बताइए, जब पूरा डिग्री होता है दोस्तों तो 360 होता है, आधा होता है तो 180 डिग्री हो गया, तो कहीं ना कहीं जो राशि खर्च की गई है इन तीनों पर ओवरऑल का आधा खर्च किया गया है, क्योंकि यह पूरा 360 है ना, इसका आधा अगर 180 हुआ है तो दोस्तों तो जो पूरा जो परसेंट में जो राशि होगी ना वो भी उसकी आधी होगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हम देखेंगे 40%, 45%, 50% और 55% है, तो 180 360 का आधा है ना, तो कहीं ना कहीं 50% हमारा दोस्तों क्या है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, इसके साथ ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, पर ऐसे ही आप सभी को करना है, ठीक है ना। आइए ले तो क्वेश्चन नंबर 14, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप ही के डिमांड पर ये क्लास चल रही है, ठीक है ना, अगर आप नहीं कहते तो मैं इस क्लास को लेकर नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण पर
की गई धनराशि से कितनी अधिक है। ध्यान से देखिएगा, इस बार वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है जो मैंने दूसरे में बताया है। मजदूरी की कितनी है दोस्तों, 90 है, और निरीक्षण कितने 54 डिग्री, तो अगर हम इसको घटाते हैं तो कितना जाएगा 36 डिग्री। वही चीज है दोस्तों, बता चुका इस क्वेश्चन को, जब रुपए में रुपए में दे तो क्या करेंगे 36 है, और नीचे 360 हमेशा लिखना है, टोटल कितनी राशि है 6 लाख है, बस यह 0 इससे कैंसिल, 36 से कैंसिल 36, 36 से 36 कैंसिल, तो हमारा जो है 60,000 जो है दोस्तों करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। किसके साथ? ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन फिलहाल के लिए करवा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा कमेंट करके दोस्तों बताइएगा। ये जो है, ये जो डीआई पूछता है ना, ये आपका सभी पूछता है एंगल बेस्ड, ठीक है ना। अब जब देता है परसेंटेज बेस्ड डीआई, उसको हम कैसे करते हैं दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लेते हैं। तो चार क्वेश्चन यहाँ से हुआ, अभी चार पांच क्वेश्चन वहां से हो जाएगा, तो इस तरीके से आपका डीआई भी दोस्तों क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन अगला कह रहा है, एक संस्था के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रतिशत का विवरण नीचे दिए गए पाई चार्ट में प्रदर्शित किया गया है। जो कर्मचारी है उनका विवरण जो है नीचे चार्ट जो दिया है दोस्तों, इस तरीके से एक चार्ट दिया हुआ है, थोड़ा सा जब बोर्ड पे बनाओ ना तो सही नहीं बनता है इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान, 1 2 3 4 5 है ना, फिर यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, ठीक है, फिर इसको ऐसे कर देंगे, फिर इसको ऐसे कर देंगे, विचार ही हुआ, फिर इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, लेखा विभाग, यहाँ पे क्या है लेखा विभाग, लेखा विभाग का कितना आप लोग देख लीजिए 17%, लेखा विभाग का कितना है 17%। फिर आगे विपणन विभाग, यहाँ पे 18%, ये किसका है दोस्तों, विपणन विभाग का है, किसका है विपणन विभाग का कितना 18%। फिर आईटी विभाग का, आईटी विभाग का दोस्तों कितना है 23%, ये है आईटी विभाग, आईटी विभाग का कितना है 23%। फिर ये 14% कितना किसका है, एचआर विभाग का है, ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको बस थोड़ा सा देख लीजिए। फिर उत्पाद, यहाँ पे 28% है, किसका दोस्तों, उत्पादन विभाग, किसका है उत्पादन विभाग, बस क्वेश्चन खत्म है, ये समझ गया तो फिर क्वेश्चन खत्म है। पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कह रहा है और यहाँ पे पुरुष का महिलाओं से अनुपात दे रखा है दोस्तों, ध्यान समझिएगा, पुरुष का महिलाओं से अनुपात उत्पादन में 11:1 यहाँ पे है, जो उत्पादन में है वो 11:1 का थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है ना। एचआर में 1:3 है, एचआर में 1:3 है, और आईटी विभाग में 5:4, इसमें आईटी जो विभाग है वो 5:4 है, किसका, यानी कि अगर 5 पुरुष है तो 4 महिलाएं हैं, ठीक है ना। ये चीज विपणन विभाग में 7:5 है, विपणन विभाग में 7:5, और लेखा विभाग की बात करेंगे तो 2:7 है। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कह रहा है विपणन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या कुल कितनी है। ध्यान से देखिएगा, विपणन विभाग में जो है 18% कर्मचारी काम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, 18% क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और विपणन विभाग में अगर पुरुष 7 है तो महिलाएं 5 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विपणन विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या निकालेंगे, यानी कि कुल कर्मचारी विपणन विभाग में कितने हो रहे हैं दोस्तों। अगर हम कुल कर्मचारी की बात करेंगे तो ये 18% है ना, तो ऊपर रहेगा 18% क्या रहेगा, ऊपर रहेगा दोस्तों। एक बात समझ लीजिए, जब ये परसेंटेज में दिया रहेगा ना, परसेंटेज आप हटाओगे तो नीचे 100 लाओगे, और डिग्री उधर हटाते तो नीचे 360 लाते थे, तो यहाँ पे 18/100 और बुरे, यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या रहा है एक चीज और, कुल यहाँ पे टोटल ओवरऑल दे रखा है दोस्तों, कर्मचारियों की कुल संख्या जो है वो 1800 है, साइड में दिए हुए आप सभी लोग देख लीजिए, तो हम 1800 से दोस्तों क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 18 का 18 में गुणा कर देंगे, तो 18 का 18 में गुणा करने के बाद 324 आ जाएगा, यानी कि जो कुल कर्मचारी है दोस्तों वो 324 है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि कुल कर्मचारियों की जो संख्या है, यहाँ पे विपणन विभाग की बात कर रहा है ना, तो विपणन विभाग में 7 5 12 12 का वैल्यू किसके बराबर दिया, 324 के, तो 1 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 12 से 324 से भाग दे दीजिए, 12 दूनी 24
12 × 7 = 84, 1 × 27 = 27। दोस्तों यहाँ पे जब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख रहे हैं तो 7 × 5 = 12 हो रहा है, कह रहा 12 नहीं 324 है, तो अगर हम 12 से 324 से भाग देते 27 आ जाता है, 1 का वैल्यू 27 है। तो पूछ क्या रहा है कि पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या 7 है ना, कितनी है 7 है, तो 27 का 7 में गुणा कर देंगे। अब ये कैसे किया सर, अगर 1 का वैल्यू 27 है तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 का गुणा कर देंगे, 7 × 7 = 49, 7 × 14 = 18 यानी कि 189 हो जाएगी पुरुषों की संख्या, और आप चले जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। किसके साथ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी के साथ। डीआई उतना टफ नहीं है, बस ये है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ते नहीं है ना, जिस वजह से उनका डीआई थोड़ा सा वीक हो जाता है, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर टेंशन की कोई भी बात नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला आ जाती है, ग्रामर इसमें फिलहाल में है, कह रहा है संख्या के उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने परसेंट है, 0.2 अंकों तक पूर्णांकित करिए, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, पहले क्या कह रहा है, कार्यरत पुरुषों की संख्या, यानी कि उत्पादन विभाग की बात कर रहा है, उत्पादन विभाग में कह रहा है कार्यरत पुरुषों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने परसेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कर्मचारियों का कुल संख्या भी निकालना पड़ेगा और उत्पादन विभाग की भी तरफ चलना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या, यानी कि जो ऑफिसर्स हैं उनको कुल कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी हो रही है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करेंगे उत्पादन विभाग में दोस्तों, तो 28% है ना, कितना है 28% है, तो ऊपर रहेगा, और नीचे चूंकि परसेंट घटाना तो 100 से, और टोटल कितने है दोस्तों 1800 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 28 को 18 में गुणा कर देंगे तो 504, 18 × 18 = 144, 504 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करेंगे उत्पादन विभाग में तो कुल 504 कर्मचारी हैं, ठीक है ना। अब आगे दे रखा है देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, संस्था के उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या उसके उत्पादन विभागों के मतलब कर्मचारियों के कुल कितने परसेंट है, तो उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या 504 आपने निकाल लिया, अब उत्पादन विभाग में पुरुषों की संख्या कुल कितनी है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है दोस्तों। यहां देखिएगा, यहां 11 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 12, 12 का वैल्यू किसके बराबर 504 के बराबर है। जब हम यहां देख रहे हैं कुल महिला प्लस पुरुष तो 12 हो रहे हैं, और यहां महिला पुरुष 12 का वैल्यू 504 के बराबर, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 से 504 में डिवाइड करेंगे, 12 × 48 = 24 यानी कि 42, 1 का वैल्यू अगर 42 हो गया दोस्तों, अब ये बात समझिएगा पुरुष कितने 11 पुरुष है ना, कितने पुरुष है 11 पुरुष है, तो 11 का दोनों साइड में हम गुणा कर देंगे, या फिर ऐसे कर सकते हो कि अगर 1 का वैल्यू 42 है तो 11 का गुणा करके सेट कर सकते हो, 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 × 2 = 22, 11 × 4 = 44, 44 × 2 = 46, यानी कि दोस्तों जो पुरुष हो गए हैं ना वो हो गए 462 अर्थात 462, पुरुषों की संख्या है 462 और कुल कर्मचारियों की संख्या 504, इसी का तो परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा आंसर हो जाएगा 462 क्या हो जाएगा 462 डिवाइडेड बाय 504 × 100, ठीक है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 91.67% इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि इससे गुणा करके 504 से भाग दे दी, इतना तो आप कर सकते हो दोस्तों, मैं करूंगा थोड़ा टाइम नुकसान होगा, 91.67% ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे कोई दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, बस इस तरीके से क्वेश्चन को करना रहता है दोस्तों, बस अगर आप कर लेते तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, एक परसेंटेज बेस्ड डीआई पढ़ लीजिएगा, एक एंगल बेस्ड, बस थोड़ा सा जो है 1-2 बार वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी डाउट होता है, ठीक है ना। यानी कि ग्रहवा हो गया, और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 12वां है, तो उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। कह रहा है लेखा विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या से क्रमशः कितना अनुपात है, ठीक है ना, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जैसा भी बताया था। तो लेखा विभाग में जो कह रहा है ना, जैसे यहाँ उत्पादन विभाग में आपने किया वैसे लेखा विभाग में आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है ना, रेशियो इसको आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों, ये आपका HW है, क्या है HW है, आंसर इसका जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि जो बारहवें का आंसर क्या है, 9:2 है या 7:6 है
या 2:9 है या 6:7 है या नन ऑफ दीज, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है ना। तब तो पता चलेगा पढ़ रहे हो कि यार वैसे ही केवल मजा ले रहे हो। क्वेश्चन जो 13वां, संस्था के एचआर विभाग में, संस्था का एचआर विभाग कहाँ दोस्तों, एचआर विभाग यहाँ है, ठीक है ना। संस्था के एचआर विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या से क्रम से कितना है, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, यानी कि हमें यहाँ पे एचआर विभाग में पहले कुल कर्मचारियों की संख्या निकालना है। तो एचआर विभाग में टोटल कितने ऑफिसर हो रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। टोटल हमें दे रखा है, टोटल ओवरऑल कितना 18,000 है, कितना है 18,000 है, लेकिन एचआर विभाग में 14% है और नीचे 100 करेंगे और इंटू 18,000 कर देंगे, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 14 0 0 14 8 112, 14 करने 14 2 26, यानी कि 1/25, यानी क्या जाएगा, अरे 252 कितना आएगा, एक बार देखते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा, क्या करेंगे 14/100, 1800 की 18,000 है, 1800 है दोस्तों, 1800 करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 18 का 14 में करेंगे 252 हो जाएगा। दोस्तों एचआर में जो टोटल कर्मचारी हो रहे हैं वो 252 है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें 3 है 4 है, यानी कि जो 4 का वैल्यू दे रखा है दोस्तों वो 252 दे रखा है। 1 का वैल्यू किसके बराबर है, 4 6 24, 12 4 3 12, 1 का वैल्यू 63 के बराबर है। 1 का वैल्यू किसके बराबर है, 63 का। तो दोस्तों फीमेल कितना उसमें हो रही है, महिलाएं, दोस्तों महिलाओं की बात करेंगे, एक पुरुष है 3 महिला है ना, तो 1 का वैल्यू अगर 63 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 63 का 3 में कर दो, 3 3 करो 3 6 18, 189 हो गया, ठीक है ना। अब ये कह रहा है, ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से कह रहा क्वेश्चन, संस्था के एचआर विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या का, महिलाओं की संख्या का उस विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या से रेशियो क्या है। तो महिलाओं का 89 आ गया ना, और कुल का आ गया 252, और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे पीटेंगे तो 3:4 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3:4, काट के दिखा दें क्या इसको, तो काट के दिए तो आप कहेंगे अरे सर ऐसे कर दिए, 3 4 18 3 3 9, 3 8 24, 3 6 12 आ गया ना, 7 से काट दीजिए, 7 9 63, यहाँ पे आ जाएगा 12, फिर 3 3 9, 3 6 12, 3:4 आ चुका है दोस्तों, ठीक है। आराम से करिएगा और क्वेश्चन गलत नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14वां, कह रहा है संस्था के आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या उस संस्था के सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितने परसेंट है, ठीक है दोस्तों। ये भी आपका एचडब्ल्यू, इसको कर लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि सेम टू सेम मतलब क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे आप लोग, नहीं कर पाएगा तो बता दीजिएगा, मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा। तो दोस्तों डीआई में अभी एनबी के लिए मैं बात करूं तो अभी आप तो सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ठीक है, 2 आप पढ़ के जाइए एग्जाम में कर जाओगे आप, ठीक है दोस्तों। और एक आता है रेखा चित्र वाला, मतलब लाइन इस तरीके से आप देखे होंगे, इस तरीके का भी आता है, देखे होंगे आप सभी ना, इस तरीके वाला भी किसी दिन मैं इस तरीके का डीआई करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो को एंड करते, अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करें, थैंक्स फॉर फुल वॉचिंग।